नमस्कार दोस्तों, चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों काफी लोग ये कमेंट करके पूछ रहे थे कि सीएससी का जो रिकनेक्शन है, रिकनेक्शन का जो प्रोसेस है, तो उसके बारे में कुछ लोग पूछ रहे थे कि सीएससी का रिकनेक्शन में कितना समय लगता है। या दोस्तों, अगर मान लिया सीएससी ने किसी का लाइन डिस्कनेक्ट कर दिया, यानी कि सीएससी ने किसी का अगर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन को डिस्कनेक्ट कर दिया, तो उसे रिकनेक्ट करने में यानी कि कनेक्शन फिर से जुड़वाने में कितना समय लगता है, तो उसी टॉपिक पर मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहले मैं बताता हूँ कि सीएससी का अगर लाइन डिस्कनेक्ट कर दिया गया है, आपका इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन अगर डिस्कनेक्ट कर दिया गया है, तो जो रिकनेक्शन के लिए जो प्रोसेस है, जो फॉर्मेलिटी है, अगर रिकनेक्शन का प्रोसेस या फॉर्मेलिटी कहें, अगर आप सोम से शुक्र यानी कि मंडे से फ्राइडे अगर 3 बजे के पहले तक कंप्लीट कर लेते हैं सीएससी का रिकनेक्शन का जो भी फॉर्मेलिटीज है, प्रोसेस है, और साथ में जो भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, अगर आप सोम से शुक्र यानी मंडे टू फ्राइडे अगर 3 बजे के पहले पूरा चीज कंप्लीट कर लेते हैं, तो सीएससी ट्राई करती है सेम डे आपका कनेक्शन को रिकनेक्ट कर देने के लिए, माने आपके कनेक्शन को जोड़ देने के लिए। तो फिर से मैं एक बार बताता हूं जिनको समझ में ना आया हो, अगर मान लिया आपने 3 बजे के पहले रिकनेक्शन का जो भी फॉर्मेलिटी है, जो भी प्रोसेस है, उसको आपने कंप्लीट कर दिया, और साथ में जो भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट है और एडिशनल जो चार्जेस है वो सारा कुछ पे कर दिया, और ये सारा कुछ सोम से शुक्र यानी मंडे से फ्राइडे के अंदर 3 बजे के पहले सारा चीज आपने कर दिया, यानी कि पूरा एप्लीकेशन का फॉर्मेलिटी जो है वो कंप्लीट करना, और साथ में पेमेंट, एडिशनल चार्जेस सब कुछ पे करना, पेमेंट करना और एप्लीकेशन का जो भी प्रोसेस है, फॉर्मेलिटी है, वो सारा कुछ कंप्लीट करना, ये सारा काम अगर आपने सोम से शुक्र यानी मंडे से फ्राइडे 3 बजे के पहले कर दिया, तो सीएससी ट्राई करती है कि सेम डे आपका इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन जोड़ दिया जाए। और अगर 3 बजे के बाद आप इसको करते हैं, जनरली 3 बजे के बाद भी कई 4 बजे तक ऑफिस खुला रहता है, काफी ऑफिस है सीएससी के जो 4 बजे तक खुला रहता है, 3 बजे के बाद अगर आप ये करते हैं जो फॉर्मेलिटी पूरा करना है और बिल पेमेंट करना है, जो भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट पेमेंट करना है, अगर 3 बजे के बाद होता है, तो वो नेक्स्ट डे सीएससी ट्राई करती है कि आपका रिकनेक्शन रिकनेक्ट कर दिया जाए, यानी कि कनेक्शन आपका फिर से जोड़ दिया जाए, आपको फिर से कनेक्शन दे दिया जाए। अच्छा, कभी कभी ये होता है कि 3 बजे तक यानी 3 बजे के पहले आपने सारा कुछ कंप्लीट कर दिया और पेमेंट भी आपने 3 बजे के पहले दे दिया, जो भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, तो सीएससी अगर उस दिन अगर आपको रिकनेक्शन ना दे पाए, तो नेक्स्ट डे जरूर दे देगी,